कांग्रेस ने जब प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री कराई थी उसके बाद ही उनके चुनावी मैदान में उतरने की अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। माना जा रहा था कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को अपने ड्रम कार्ड के तौर पर वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ उतार सकती है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। माना जा रहा है कि इसके पीछे कांग्रेस का एक बड़ा प्लान है। तो क्या है वो प्लान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस ने जब से वाराणसी में प्रियंका की जगह अजय राय को मैदान में उतारा है, बीजेपी फूले नहीं समा रही। उल्टा ये प्रचार किया जा रहा है कि कांग्रेस पीएम मोदी से डर गई और इसीलिए पार्टी ने प्रियंका की बजाय अजय राय पर भरोसा जता दिया। लेकिन कांग्रेस के इस फैसले को उससे डर के तौर पर नहीं बल्कि सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2019 लोकसभा चुनाव से ज्यादा 2022 को लेकर अपनी सियासी जमीन तैयार कर रही है। कांग्रेस ने जब प्रियंका गांधी की राजनीतिक एंट्री कराई थी और उन्हें पूर्वी यूपी का प्रभार सौंपा था, उस वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि प्रियंका मिशन 2019 के लिए नहीं बल्कि मिशन 2022 के लिए आई हैं। इन बातों का मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव में तो प्रियंका यूपी का नेतृत्व करेंगी ही, बल्कि यूपी का 2022 का होने वाला विधानसभा चुनाव भी उनकी अगुवाई में लड़ा जाएगा। यही वजह है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव लड़ाने की बजाय विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से उतारने की तैयारी में है। वहीं एक प्लान ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को अमेठी से चुनावी मैदान में उतार सकती है। दरअसल राहुल गांधी इस बार दो लोकसभा सीटों यानी अमेठी और वायनाड से ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर राहुल गांधी दोनों सीटें जीत जाते हैं तो वो वायनाड को अपने पास रखेंगे और अमेठी सीट प्रियंका के लिए छोड़ देंगे, जिससे वायनाड और अमेठी दोनों सीटें कांग्रेस के पास रहें। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस ने काफी प्लानिंग के साथ ये दांव खेला है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।